नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह पर। कल जिस ढंग से दशहरे के त्यौहार पर दो मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर व हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बीच हजारों लोगों के सामने तू तू मैं हुई, वह किसी भी अनुशासित पार्टी के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की ये अंतर्कलह केवल एक नमूना है। वास्तव में पिछले चार वर्षों के शासनकाल में जिस ढंग से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री ब्यूरोक्रेसी से दुखी हैं, शायद यह उसी का नमूना है कि दो मंत्री आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। एक दूसरे को उन्होंने माइक पे नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी के चार वर्षों के शासनकाल में अनेक कार्यकर्ताओं ने अंदरूनी बैठकों में मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी के समक्ष अपनी शिकायतें की, मगर अभी तक उसका निवारण नहीं हो रहा। इस झगड़े के बाद भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को कुछ सोचना होगा, क्यों उनके बीच अंतर्कलह बढ़ रही है। क्या ये अहम की लड़ाई है अथवा फ्रस्ट्रेशन है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा रोष है। हालांकि मुख्यमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से करनाल में मुख्यमंत्री का विरोध हुआ। करनाल में अनेक पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के पदों से त्याग पत्र दिया। गोलाचीका में विधायक का विरोध ग्रामीणों ने किया। रतिया में पदयात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा को काले झंडे दिखाए। यह कुछ घटनाएं रिपोर्टिंग हुई। हर स्थान पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, ग्रामीण उनके सामने अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी वर्ष में अगर अपने आप को नहीं संभाला तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर व उद्योग मंत्री विपुल गोयल का बीच का झगड़ा तो एक सिर्फ उदाहरण है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस झगड़े की तह में जाना होगा और हर जिला में जाकर कार्यकर्ताओं से बैठकें करनी होंगी, कार्यकर्ताओं की राय लेनी होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से अपना पक्ष रख पाएगी। नहीं तो यह अंतिम वर्ष उसके लिए अंतिम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही।